हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बताएंगे आपको झाड़ू का सही प्रयोग कैसे हमें करना चाहिए ताकि माता लक्ष्मी का प्रसन्न हमारे घर में धन धान्य का लाभ हो और धन सुख समृद्धि भरा रहे हमारे घर में। हमें झाड़ू कब और खरीदना चाहिए, कब नहीं खरीदना चाहिए। जैसे कि शीतला माता ने झाड़ू एक हाथ में झाड़ू लिए हैं, वैसे ही झाड़ू को हमें शाम को सूर्यास्त के बाद हमें झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर घर से बाहर जाए तो तुरंत हमें झाड़ू घर में नहीं लगाना चाहिए, तुरंत हमें झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। जब हम खरीदते हैं तो शनिवार से हमें लगाना स्टार्ट करना चाहिए झाड़ू, और झाड़ू को हमें हमेशा छिपा करके ही रखना चाहिए। जैसे कि हमें धन को छुपाते हैं, उसी प्रकार हमें झाड़ू को भी छुपाकर नज़र किसी की भी बाहर से आए हुए व्यक्ति की नज़र नहीं पड़नी चाहिए। वैसे ही हमें झाड़ू को भी छुपाकर रखना चाहिए। किचन में हमें झाड़ू कभी नहीं लगाना चाहिए। धूप दीप जलाकर सुबह सवेरे और झाड़ू लगाने के बाद हल्दी का छिड़काव करें ताकि घर में शुभ अरे अच्छे ऊर्जा का वास हो। और टूटी हुई झाड़ू को हमें घर में नहीं रखनी चाहिए, उसे हमें तुरंत ही फेंक देना चाहिए। अमावस्या के दिन आप घर से बाहर उसे रखें, या ग्रहण के दिन भी आप, फिर होली के दिन भी आप झाड़ू को बाहर रखें। शनिवार के दिन घर से बाहर कर देना चाहिए। गुरुवार के दिन शुक्रवार के दिन या झाड़ू नहीं फेंकें। इन तीनों दिन झाड़ू को नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि उस दिन माता का दिन होता है। जैसे आपकी फिर सुन ले, गुरुवार के दिन, शुक्रवार के दिन, अमावस्या के दिन झाड़ू को नहीं फेंकना चाहिए। लक्ष्मी का दिन होता है। नई झाड़ू को कृष्ण पक्ष को लानी चाहिए। झाड़ू के एक सफ़ेद रंग का धागा बांधने से अमावस्या के दिन झाड़ू को खरीदना चाहिए। मंगलवार को या रविवार को झाड़ू का खरीदना नहीं चाहिए। पश्चिम दिशा में झाड़ू रखनी चाहिए। छुपा के दो झाड़ू को एक साथ नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को कभी भी जलाना नहीं चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा को हमें साफ रखनी चाहिए क्योंकि ये देवी और देवताओं का स्थान होता है। घर झाड़ू को ओ माता लक्ष्मी भी कहा जाता है। झाड़ू से हमें न किसी को मारना चाहिए, न पीटना चाहिए, ना ही लड़ाई करना चाहिए, ना ही झाड़ू को ऐसे फेंक देना चाहिए, ना ही झाड़ू को कभी हमें पैर से छूना चाहिए। और ऐसे करने से माता लक्ष्मी अप्रसन्न होती हैं, इसलिए माता लक्ष्मी भी कहा जाता है झाड़ू को। इसीलिए हमें झाड़ू को कभी माता लक्ष्मी को कभी पैर से नहीं छूना चाहिए। आदरपूर्वक उनको झाड़ू रखनी चाहिए और अच्छे से रखना चाहिए। धोकर साफ करके जूठों को झाड़ू से नहीं छूना चाहिए। इसलिए झाड़ू को अच्छे से साफ सुथरा करके रखें, अपने लगाना चाहिए। एक उपाय यानी कि झाड़ू लगा देने में दोपहर में भी कब लगाना चाहिए इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। जैसे 12 बजे से 1 बजे के बीच ही हमें झाड़ू लगाना चाहिए। और चाहे तो करके देखें, एक उपाय भी करके देख सकती हैं। कोई व्यक्ति अगर आपके घर में बीमार रहता है या फिर कोई भी मतलब हमेशा ही कुछ ना कुछ परेशानी आती रहती है, तो सरसों यानी कि राई जो होता है उसको अपने ऊपर से या फिर उस व्यक्ति के ऊपर से जो बीमार रहता है 7 बार फेर के और अपने झाड़ू लगाते समय उसे राई को, सरसों को बाहर फेंक दीजिए। इससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और जो आदमी बीमार है, जो व्यक्ति बीमार है, वो भी ठीक हो जाएगा। ओम हनुमान मंत्रय नमः का मंत्र भी बोलते हुए भी कर सकते हैं, फिर सारी दरिद्रता दूर हो जाती है। झाड़ू को कब नहीं लगाना चाहिए ये भी जान लीजिए। शाम को, रात को, सूर्यास्त जब होता है, सूर्य ढलने वाले होते हैं, तब हमको कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए घर में। और तुरंत शनिवार को अगर झाड़ू आपकी टूट टूट कर गिरती रहती है, बिखरती रहती है,
तब हमें क्या करना चाहिए? तब हमें तुरंत झाड़ू को वो शनिवार के दिन या फिर किसी भी वैसे दिन को आप फेंक देना चाहिए बाहर ले जाकर। आप कैसे किसी ऐसे स्थान पे ज़मीन पे खेत में रख देना चाहिए देना चाहिए। गुरुवार को या शुक्रवार को एकादशी का को झाड़ू नया लाना चाहिए जैसे कि आप जानते ही हैं, और छुपा के रखे ताकि किसी की बाहर वालों की नज़र ना पड़े, किसी भी व्यक्ति की नज़र आने जाने वाले की ना पड़े। माता लक्ष्मी होती हैं और किचन में हमें कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, वहाँ पोछा मार के घर को साफ रखना चाहिए। ऐसे मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगर मेरे वीडियो पे आप पहली बार हैं, नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये थी झाड़ू के बारे में जानकारी। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब।